गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एक्सपो 2023 के समापन के अवसर पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। उन्होंने आयोजनकर्ता नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल के संयोजक गुंजन मेहता व फेडरेशन ऑफ नेशनल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन सुरेंद्र सैनी व हरियाणा ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड गुरुग्राम के चेयरमैन गिरिराज ढींगरा व समस्त आयोजक टीम को सफल आयोजन की बधाई दी। इस आयोजन में गुरुग्राम के ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों के उद्योगपतियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी। आयोजन में उप मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार की औद्योगिक नीतियों व प्रशासन के कार्यों को सभी के साथ साझा किया। उन्होंने आयोजकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि गुरुग्राम में इस विजनरी कदम को उठाते हुए टीम ने जिस तरह से गुरुग्राम में इंडस्ट्रियल एक्सपो की श्रृंखला की शुरुआत की है, ये वाकई बहुत काबिले तारीफ है। अब हम सबको मिलकर निरंतर आगे बढ़ाते जाना चाहिए। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते इस रिपोर्ट में। 5 दिन का फंक्शन लेजर वैली में रहा है। मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी पहल पूरी टीम द्वारा है कि एक ऐसी चीज़ जो दिल्ली के प्रगति मैदान में देखी जाती थी, उसको उतने बड़े स्केल पर तो नहीं पर अच्छे स्केल पर गुड़गांव में लाने में हम कामयाब रहे। और मैंने आज निवेदन भी किया है, क्योंकि इससे जब एक तरह के उद्योग एक पंडाल में आते हैं तो कई इनोवेशंस भी होती हैं, और हम इसको हर वर्ष की बजाय क्वार्टरली इवेंट के तौर पे भी आगे देखेंगे। रिसेंटली हरियाणा सरकार ने भी ऐसे एग्जीबिशन प्रमोट हो उसके लिए भी इंसेंटिव हमारी हिप में देने का काम किया है, और मैं मानता हूँ कि उससे इंडस्ट्री को लाभ भी मिलेगा, इंडस्ट्री की ग्रोथ भी मिलेगी और कंज्यूमर को भी एक ही स्पेस के अंदर अपने इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को देखने का खरीदने का अवसर मिलेगा। हमने एक्सपोज दुनिया भर के अलग अलग देशों में लगते देखे। हमारे देश के अंदर भी सिर्फ बड़े महानगरों में ऐसे एक्सपोज हुए, पर आज गुड़गांव में एक कदम उठाया गया है अपने आप में ऐतिहासिक। गुरुग्राम से BCN न्यूज़ के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।